हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोक रिस्ट्री ट्वेंटी वन में इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा कॉफ़ी जो शेयर है उसके फंडामेंटल कैसे हैं और टेक्निकल चार्ट पे अभी कंपनी खरीदने लायक है या नहीं सारी चीज़ें देखेंगे अभी आपको अगर आपने स्टेक ले रखा है उसको सेल कर देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो कब करनी चाहिए वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे ये टाटा ग्रुप की कंपनी है तो फंडामेंटल का मुझे नहीं लगता इतना मुझे डिस्कस करना चाहिए क्योंकि टाटा ग्रुप की लगभग सारी कंपनी अच्छी होती हैं फिर भी मैं फंडामेंटल इसमें डिस्कस करूँगा पहले चार डिस्कस करूँगा फिर फंडामेंटल डिस्कस करूँगा पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैप है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी टू का मतलब कंपनी है जो वो स्मॉल कैप की कंपनी है पाँच हज़ार करोड़ से जिसका भी नीचे मार्केट कैप होता है उसे बोलते हैं पाँच हज़ार करोड़ से पाँच हज़ार करोड़ से क्या अगर पाँच हज़ार करोड़ से कितने का नीचे का होगा तो क्या होगा वो उसको बोलेंगे स्मॉल कैप की कंपनी और करंट प्राइस कितना है इसका टू हंड्रेड थर्टीन का मतलब दो सौ तेरह रुपये का करंट प्राइस है स्टॉक का पी ही है अट्ठाईस का आर ओ सी है ट्वेल्व पॉइंट टू का अगर पी के हिसाब से देखें तो कंपनी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है ठीक है कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ठीक जनरेट कर रही है थोड़ा सा कम है पर चल जाएगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बुक वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी ठीक है मतलब मैंने बोला ना कि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो फंडामेंटल की कोई दिक्कत नहीं है अब चार्ट पे देख लेते हैं कि कंपनी में चार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम इसका चार्ट देख लेते हैं यह कंपनी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है इसका मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी ने क्या किया यहाँ से डबल बॉटम बनाया इसने ये डबल बॉटम बनाया और जो ये है 169, 169 को यहाँ पे क्या किया ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ गया अब ये है कि अगर आपने यहाँ पे इस टाइम होल्डिंग है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अपनी होल्डिंग को बेच दीजिए क्योंकि आप अगर इस इसमें चार्ट में देखेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है स्ट्रेंथ क्यों नहीं है क्योंकि आर देखिए आर साफ़ बता रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने टॉप लगाया और यहाँ पे भी आर का टॉप है तो ये आर एस आई इसको डाउन ट्रेंड में दिखा रही है पर चार्ट प्राइज अप है इसे बोलते हैं बियरिस डाइवर्जेंस बियरिस डाइवर्जेंस है इसके अंदर तो मतलब ये क्या है बियरिस ट्रेंड का सिग्नल होता है तो अगर आपने इसमें होल्डिंग है तो आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए ठीक है अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी फ्रेश बाइंग कब करनी है मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए इसका ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा छोटा चार्ट है ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया इसने इसे बोलते हैं तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो अब इसने क्या कर दिया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया ठीक है अब इसने क्या बनाया है ये लोअर हाई बना दिया ये लोअर लो बना दिया अब यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे आएगा दोबारा लोअर लो बनाएगा फिर लोअर हाई बनाएगा ऐसे जाएगा तो इसमें क्या होगा जब ये यहाँ से टूटेगा ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें रेड कैंडल स्टार्ट हो रखी है वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल स्टार्ट हो रखी है ये वाली अब ये नीचे की तरफ जाएगा जब ये यहाँ से टूटेगा ना दो सौ रुपये जब ये क्रॉस करेगा नीचे की तरफ जब ये टूटेगा तो सीधा वन एट्टी आएगा वन एट्टी आके अगर यहाँ से बाउंस बैक कर गया तो ठीक है नहीं तो वन सिक्सटी नाइन और फिर ये क्या करेगा इसको तोड़ जाएगा तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करनी है अगर आपकी होल्डिंग है तो उसे बेच दीजिए प्रॉफिट बुक कर दीजिए इसके अंदर बाकी इसकी एक दो दिन में क्या आने वाली है इसकी अर्निंग इसके रिजल्ट आने वाले हैं अगर रिजल्ट के बाद इसमें बाइंग एक मोमेंटम रिज़ल्ट अच्छा आता है तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है पर फिर भी मैं यही कहूँगा आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है फ़्रेश एंट्री कितने पे लेनी है आपने फ्रेश एंट्री आपने लेनी है 226 को जब क्रॉस करेगा ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की तरफ जब सस्टेन करेगा तब आपने फ्रेश एंट्री लेनी है इतना इसके अंदर कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी तो ये तो हो गया टेक्निकल चार्ट मैंने बता दिया आपने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को सेल करना है प्रॉफिट बुक करना है इसके अंदर और फंडामेंटल इसके अच्छे हैं फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ठीक है सेल्स देखिए इसकी कंपनी की सेल देखिए आप कंपनी की सेल हमें बढ़ती जा रही है 2010 में 1200 करोड़ की थी 1300 की 1500 1600 1500 1600 की रेंज में चलती रही अब 2019 में से 1800 1900 और 2200 करोड़ की मतलब कंपनी का बिजनेस एक्सपांड हुआ है ऐसी बात नहीं है कंपनी का बिजनेस एक्सपांड हुआ है और जो चार्ट में प्राइस में मोमेंटम भी आपको दिख रही है ठीक है और प्रॉफिट देखिए इसका अब बढ़ के तीन सौ नब्बे करोड़ का हो गया प्रॉफिट मार्जिन जो अच्छी बात है प्रॉफिट मार्जिन सत्रह परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन आपको वो कंपनी छोड़ देनी है जिसमें पाँच परसेंट से भी कम का प्रॉफिट मार्जिन हो उन कंपनी को आप सोचिए उन कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए ये दो टू एटी फोर करोड़ का क्या है प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट वन थर्टी फोर का पहले दो हज़ार दस में थर्टी फोर का तब तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है सेल्स बढ़ रही है सारी चीज़ें ठीक हैं मैंने कहा तो टाटा ग्रुप की कंपनी है तो फंडामेंटल के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है फिर भी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ आपको प्रमोटर की होल्डिंग देख देखी है फिफ्टी सेवन परसेंट की थी फिफ्टी सेवन परसेंट है फिफ्टी सेवन परसेंट प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है दो हज़ार अठारह से इक्कीस तक एफ आई आईज़ की पॉइंट जीरो थ्री से बढ़ के पॉइंट टू नाइन हो गई है अच्छी बात है एफ़ आई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ठीक है गुड है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अब और क्या देखते हैं इसमें चार्ट मैंने बता दिया डेटर डेज भी ठीक है सर ये सब कुछ ठीक है आर ओ सी बारह परसेंट की आर ओ सी है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो एक चीज़ और बता दूँ जब भी कोई कंपनी अपने ऑपरेशन एक्टिविटी से कैश जनरेट करती है तो ये बहुत अच्छी बात है मतलब उसकी जेब में पैसा है बिजनेस करने के बाद अगर किसी की जेब में पैसा ही नहीं है तो कंपनी क्या है आपको हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के से कैश को देखना कैश फ्लो में हमेशा उसके पास कैश अच्छा होना चाहिए तो कंपनी के फंडामेंटल मैंने बता दिया गुड हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बस यही है इसके अंदर बोरोइंग देखिए कंपनी के ऊपर जब बिजनेस बढ़ेगा तो फिर एक्सपांड करेंगे तो कर्जा तो बढ़ेगा ही कर्जा भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कंपनी काफ़ी बड़ी है ठीक है ग्यारह सौ करोड़ का कर्जा है इसके ऊपर और उसी हिसाब से रिज़र्व भी चौदह सौ करोड़ की रिज़र्व है मतलब कंपनी अपना कर्जा उतार सकती है ऐसी बात नहीं है तो वेल एंड गुड है चार्ट के हिसाब से बस यही कहूँगा अभी आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फ्रेश बाइंग अभी नहीं करिए बस यही दो बातें थी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है और चार्ट पे अभी प्रॉफिट बुक करना है बाइंग कहाँ करनी है बाइंग करनी है 226 के पार बाइंग करनी है प्रॉफिट बुक कर लेना है यहीं पे क्योंकि चार्ट यहाँ तक आ सकता है 170 अगर 170 से भी नीचे जाएगा फिर आपको 120 पे मिलेगा है। पर इतना नहीं टूटेगा बाकी यहाँ से अगर नीचे आ सकता है तो आप कर लीजिए ना प्रॉफिट बुक क्यों अपने प्रॉफिट को छोड़ दो आपको फ्रेश एंट्री ले दो सौ छब्बीस के पार तो बस यही था इस वीडियो में थैंक यू बाय बाय चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में